हेलो भाई, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और भाई मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो कहानी है, ये जो सागा है इकोस्टमेट सैक होने का, जितना आसान लग रहा है ना भाई, जितना आसान या तो जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। बिकॉज इसके पीछे ना भाई बहुत सारे टसल्स है, बहुत सारे लड़ाई वगैरह है। बिकॉज इकोस्टमेट ने यहाँ पर ARFF की पोल खोल दी, कल्याण चौबे की पोल खोल दी। अभी हमें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, बट रिपोर्ट आई है, लेटर भाई ने भेजा है। एक एक से भाई, एक एक तरीके से ना पोल खोली अपनी ARFF की, एंड जिसको देख के ना आप लोग भी बोलोगे कि ये क्या गंदा फेडरेशन है। जी हाँ दोस्तों, लेटर पढ़ेंगे हम लोग साथ में, लेटर के सब स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। लेट्स डिस्कस कि भाई इगोशिमैन ने किस तरीके से यहाँ पर पोल खोली है। ऑब्वियसली इगोशिमैन तो है ही उसका फॉल्ट, लेकिन उसने ये बताया कि भाई मैं जो जा रहा हूं बट तुम्हारी पोल खोल के मैं जाऊंगा भाई, लोगों को दिखाऊंगा कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। आइए स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नाउ ऑल द न्यूज पब्लिश दैट इगोर स्टिमैच इज बीइंग सैंक्ड बाय ARFF and what is out all over the world is damaging my future opportunities for the job. तो भाई जिस तरह से ये आर्टिकल आ रहा है ना कि ARFF ने सैक कर दिया इगोशिमैच, तो इगोशिमैच का ये कहने का मतलब है कि ये जो आर्टिकल जो मतलब पूरी दुनिया में स्प्रेड हो रहा है ना भाई, तो ये क्या हो रहा है, ये मेरे डैमेज कर रहा है, ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो डैमेज कर रहा है। लेकिन ये है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, तो वो बता रहा है। सो हैविंग इन माइंड आई हैव स्पेंट ओवर, ठीक है, हैविंग इन माइंड आई हैव स्पेंट ओवर 5 years इन इंडिया वर्किंग हार्ड एंड हेल्पिंग द कंट्री बिकम रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड फुटबॉल वर्ल्ड अगेन, दैट वाज द लास्ट थिंग आई एक्सपेक्टेड टू हैपन। तो ऐसा लग रहा है इगोशिमैन जिस तरह से बोल रहा है, तो वो ऐसा बोल रहे कि भाई मैंने इतना हार्डवर्क किया, मैंने इंडिया को वापस लाने की कोशिश की, फुटबॉल वर्ल्ड में दो लोगों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की, लेकिन तुम लोगों ने तुम लोगों ने इन रिटर्न तुम लोगों ने धोखा किया मेरे साथ, ऐसा वो बोल रहा है। अभी इसके बाद अगर आप बात करेंगे इसके बाद जो है जो पोल खोलते ना वो चालू होता है, तो फटाफट चलो भाई। तो इन योर लेटर दैट यू सेंड मी टुडे ऑन 17 June 2024 यू मेंशन माय ओन स्टेटमेंट अबाउट लीविंग माय पोजीशन इफ वी वोंट क्वालिफाई, बट एट द सेम टाइम You forget that my statement was given in a sincere belief that ARFF will fulfill the promises given to me that at that time. I never asked anything for myself. It was all about improving the care for the team, my staff and my support staff. जी हाँ दोस्तों, अभी obviously भाई ये जो ARFF ने क्या लिखा है कि यू नो इसने प्रॉमिस किया था इगोस्टमैच ने, और इगोस्टमैच डिलीवर नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग ऑलमोस्ट वगैरह वैसा वगैरह सैक कर रहे हैं। तो इगोस्टमैच क्या बोल रहा है, तो भाई आपने तो ये बोल दिया, लेकिन आपने तो बोल दिया, ये सब बोल दिया कि भाई मैंने स्टेटमेंट दिया और मैंने क्वालिफाई नहीं करवाया, बट आप ये भी तो देखो, आपने मुझे भरोसा दिलाया था, ठीक है, मैंने आपके ऊपर भरोसा रख के कि भाई आप मेरा जो प्रॉमिस लाइक आप जो प्रॉमिस फुलफिल करोगे, कि ARFF ने ऐसा बोला रहा कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इगोस्टमैच बोलता है कि भाई आपने ऐसा प्रॉमिस किया, ठीक है, एंड मैं उसको बिलीव करके उसके ऊपर भरोसा या तो आपके ऊपर भरोसा रख के मैंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। तो ये भी तो देखो कि आपने आपके प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं किए, तो अभी आप मेरे स्टेटमेंट में नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने तो आपका भरोसा आपके ऊपर भरोसा रख के मैंने स्टेटमेंट दिया, तो ऐसा उसका कहने का मतलब है। अभी आ जाते हैं जो टॉपिक्स है, ठीक है। द अफगानिस्तान टीम रीच इंडिया बिफोर and slept all night while our players traveled 30 hours without the sleep after the game in Aba City to reach the venue in Guwahati. जी हाँ दोस्तों, हमारे जो मैच था FIFA का क्वालिफाइज वो गुवाहाटी में, वो पहले सऊदी अरेबिया में था, तो वहां से इंडिया में आने के लिए, ठीक है, वहां से इंडिया में आने के लिए तो अफगानिस्तान पहली टीम, अफगानिस्तान की जो टीम है वो पहले पहुंच गई, लेकिन हम लोग को 30 घंटे का ट्रैवल करना पड़ा विदाउट एनी स्लीप। तो आपने हमारा जो ट्रैवल था, ठीक है, ट्रैवलिंग टाइम है, तो ट्रैवल का जो शेड्यूल था वो सही से आपने नहीं किया, एंड दैट्स आप देख सकते हो। अभी ये कई पार्ट में मैटर करता है, बट ये अगर आप टीम हो, एक इंडियन नेशनल टीम हो, तो आपको ट्रैवल भी देखना पड़ता है। जी यार, उसको आपको जो ट्रैवल का शेड्यूल है वो भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर ARFF की गलती है, हमें मानना पड़ेगा ARFF की गलती है कि भाई ना ट्रैवल शेड्यूल तो सही से कर लो, आपका वीजा वगैरह जो भी कुछ है, प्लेन का टाइम, एटलीस्ट ट्रैवलिंग शेड्यूल हमारे मेंबर्स या तो टीम के लिए तो सही से कर दो, सो दैट कैसे कि उनको प्रॉपर रेस्ट मिले। तो ये यहाँ पर बोला कि भाई तुमने ट्रैवलिंग शेड्यूल हमारा बर्बाद कर दिया, 30 घंटे हम लोग ट्रैवल किए विदाउट स्लीप और हम फिर बाद में खेलने गए। दूसरा थिंग ये कि भाई वी हैव बीन लेफ्ट आउट, वी हैव बीन लेफ्ट टू वर्क विदाउट GPS इक्विपमेंट फॉर ओवर 200 डेज, इवन दो वी कंटिन्यूसली केप्ट रिमाइंडिंग यू हाउ इंपॉर्टेंट दिस वॉज फॉर आवर वर्क। इंडिया वॉज द ओनली टीम एट द AFC एशियन कप नॉट हैविंग GPS इक्विपमेंट। जी हाँ दोस्तों, हम सबको होता है कि AFC एशियन कप के टाइम से हमारे पास GPS का इक्विपमेंट नहीं है, जो कि बहुत वेज में एक इंडियन फुटबॉल टीम या तो एक कौन सी भी फुटबॉल टीम को हेल्प करता है टू रिमूव द इनसाइट्स एंड ऑल। तो भाई यहाँ पर इगोशिमैच बोल रहा है कि हमने बोला भी था, ठीक है, हम सबको पता है या तो आपको भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, हम बार बार रेगुलर इंटरव्यूज में आपको बोल भी रहे थे कि भाई ये लेके आ जाओ भाई, ये GPS दे दो हमें, हमें इसका इंप्रूव करना है, तो हम इससे काम कर रहे हैं, बट आपने कुछ नहीं किया, आपने आपने ध्यान ही नहीं दिया हमारे रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। जो दूसरी बात ये है कि अग्रीमेंट बिटवीन मी एंड ARFF जनरल सेक्रेटरी एट दैट टाइम, जो कि शाजी प्रभा ने डिस्कस ऑन एंड रीच ऑन दूसरा जो अक्टूबर था 2023 अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन फॉर मी
मी एंड माई स्टाफ वो इग्नोर आफ्टर यू डिसाइडेड टू रिमूव, तो जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन था वो इग्नोर आपने कर दिया, ठीक है। उसके बाद इवन आफ्टर हैविंग अ मीटिंग विद प्रेसिडेंट मिस्टर चौबे 5 months लेटर ऑन March 8, तो March 8 को फिर से इनका मीटिंग हुआ कोलकाता में, वेन ही अगेन प्रॉमिस, ठीक है, वेन ही अगेन प्रॉमिस टू मी दैट द अग्रीमेंट वुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली एंड दैट माई TM वैल्यू मैच एनालिस्ट जॉय एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट श्यामल वुड साइन दियर कॉन्ट्रैक्ट्स, इट टुक यू अनदर 3 months टू डू सो, इन द मीन टाइम वी हैव वर्क विदाउट अ मैच एनालिस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द डेज विदाउट अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। यार दोस्तों इनका ये कहने का मतलब है कि हमने बहुत टाइम तक, हमने 3 से 4 महीने के लिए तक तो हमने हमारा स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी नहीं था, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी नहीं था, एंड आप लोग ने बोला था कि ये हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ, फिर भी आपको इतना टाइम लगा, तो ये सब उसने बात की है। एक और चीज, अगर भाई प्रेसिडेंट मिस्टर चौबे चेंज माय पब्लिक स्टेटमेंट गिवन टू AIFF मीडिया, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि इगोस्टमेंट में हूँ, ठीक है, तो मैंने जो स्टेटमेंट्स दिए तो यहाँ पर कल्याण चौबे ने जो स्टेटमेंट चेंज कर दिए, ठीक है, स्टेटमेंट चेंज कर दिए पब्लिकली। अभी क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट मिस्टर चौबे टुगेदर विद द साई ऑफिशियल्स, एशियन गेम्स के टाइम पे आपको पता है ये सागा हुआ था, तो साई ऑफिशियल चेंज माई ऑफिशियल प्लेयर्स लिस्ट फॉर द एशियन गेम्स, एडिंग 3 senior players and allowing ISL clubs to decide which players will represent the country at the Asian Games. So यहाँ पर obviously Igor Shemaj की जो list थी वो कई अलग दूसरी थी, लेकिन यहाँ पर कल्याण चौबे ने चेंज कर दी, कल्याण चौबे कंबाइनिंग विद साई ऑफिस उन्होंने चेंज कर दी और ये वगैरह रूल लेके आ गया। और आपको पता रहेगा एशियन गेम्स के टाइम पे दो दो स्क्वाड आउट हो रहे, एक तो इगो शिमाज का और फिर से वन में एक और हुआ था, तो वो जमेदा का ये बात कर रहा है। द वे यू ऑर्गेनाइज द ट्रैवल फॉर योर टीम गोइंग टू चेन्नई गोइंग टू चाइना एंड बैक वॉज अनफॉर्गेटेबल, तो हम लोग चाइना के लिए जो एशियन गेम्स के लिए गए थे, एशियन गेम्स के लिए ट्रैवल करने के लिए गए थे, हम खेलने के लिए गए थे, तो उसका जो ट्रैवल था, उसका ट्रैवल का स्केड्यूल आपने जो सेट किया था ना, एकदम बहुत गंदा था, आने के लिए भी और जाने के लिए भी, और हम सबको होता है वो ऐसे होके जा रहे थे, वी रियली नो इट। तो भाई ये बता रहा है कि भाई हमारी AIFF सही से ट्रैवल शेड्यूल भी नहीं कर सकती है हमारी टीम के लिए। ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंट मिस्टर चौबे अरेंज द गेम फॉर द सीनियर नेशनल टीम विदाउट कंसल्टिंग मी एंड इन दैट वे डिस्ट्रॉयड अवर चांसेस ऑफ रीचिंग अ सैटिस्फैक्टरी डील विद FSDL ऑफिशियल्स अपॉन द नेशनल टीम कैलेंडर फ्रॉम September 2023 to January। तो ये बोल रहे हैं कि जब भी कोई भी मैचेस रखते थे ये सीनियर नेशनल टीम का, तो बंदा मेरे से कंसल्ट नहीं करता था एंड कैसे भी करते थे, एंड दैट रिजल्टेड इनटू एन ऑफिशियल लाइक इनटू एन अग्रीमेंट बिटवीन FSDL एंड ये लोग यहां पर FSDL ऑफिशियल्स ले गए। दूसरी बात ये है कि प्रेसिडेंट मिस्टर चौबे हैज कैंसल माय प्रेस कॉन्फ्रेंस विच वाज सपोर्ट, तो भाई एएफसीएशन कप के बाद मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था लेकिन वो कैंसिल कर दिया मिस्टर चौबे ने। और अदर हैंड यू नो पर्सनली वेरी वेल दैट आई हैव ऑल रिटन एविडेंसेस फॉर दिस दैट आई मेंशन टू यू। जी हाँ दोस्तों ये पूरा कच्चा कुट्टा भरा है यहाँ पर इगो श्रीमैन ने। अभी देखो कैसा है कि हमें जो दिख रहा है हम वो पढ़ रहे हैं, हम उसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं, वी डोंट नो कि कौन सही है कौन गलत है, पर अगर ऐसी सब बातें आ रही है दिस इज रियली रियली सैड, बिकॉज ये ना भाई गंदगी है, ये गंदी गया। और मैं बता रहा हूँ अभी गोष्ट में जा रहा ना भाई, और पोल खुलेगी भाई, और पोल खुलेगी, और यहाँ तक ही नहीं भाई, यहाँ तक ही नहीं, यहाँ पर इसने और लिखा कि यर बाय आई एम एडिंग माय लॉयर टू टेक ओवर द कम्युनिकेशन, चूंकि अपना जो कम्युनिकेशन है मेरे लॉयर को बोल रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक और टू यर फ्रॉम AIFF एनीमोर एज AIFF हैज कॉज मी इनफ हेल्थ प्रॉब्लम्स विद इट्स फैक्ट अगेंस्ट मी, ठीक है। तो ये वगैरह बोल दिया एंड क्या इसको, हाँ ये बोल दिया। अब उसने बोला है कि बेस्ड ऑन द अबव आई काइंडली आस्क यू टू इमीडिएटली बट नॉट लेटर इन नेक्स्ट 10 days ऑर्गेनाइज द पेमेंट टू मी फॉर द टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है उसका जो भी पेमेंट है 10 दिन में मुझे भाई दे दो, ठीक है, उसका बंदोबस्त कर दो और मुझे वो पेमेंट दे दो विदाउट जस्ट कॉज इन द अमाउंट विच विल रिप्रेजेंट द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ माई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक और चीज यहाँ पर बोला है, अदरवाइज आई विल स्टार्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द AIFF इन फ्रंट ऑफ द कॉम्पिटेंट FIFA फुटबॉल ट्रिब्यूनल एंड सू AIFF। तो भाई ये FIFA तक बात जाएगी, तो भाई ये कच्चा कुट्टा है। एंड जैसे कि हमने कहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट का जो साइन, लाइक आपने सैक तो कर दिया एगोश मैच का, लेकिन भाई इससे बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई होने वाली है, मैं सच बता रहा हूँ, लीगल, एकदम लीगल लड़ाई होगी बिटवीन इगोश मैच एंड कल्याण चौबे। अभी जितना ये बैटल या तो जितना ये लड़ाई आगे तक जाएगी उतना ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी और बहुत सारी बातें जो हमें इंडियन फुटबॉल फैंस को नहीं पता है वो बाहर आएगी। तो भाई ये था इगोश मैच ने पूरा पोल खोल दिया पर AIFF की एंड वी एज अ फैन वी हैव द राइट टू नो एवरीथिंग। तो भाई डू लेट मी नो इन द चैट कि आपका क्या कहना है। ऑब्वियसली इगो शिमाज तो गलत है, मैं इगो शिमाज का साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि कल्याण चौबे कितना चीजें गलत कर रहा है। तो भाई जरूर बताना कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है एंड या लेट्स होप कि भाई देखते इसके आगे और क्या क्या मिलेगा। मिलेंगे एक और वीडियो में, जब तक आपका एंड उनके फैमिली का ध्यान रखेगा, बाय, टेक केयर।